अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जौनपुर का राजगौरव महाविद्यालय हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर है और इस महाविद्यालय में आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो छात्रों को नई दिशा देते हैं। आज राजगौरव महाविद्यालय खोटहन जौनपुर में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हो गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक राकेश कुमार यादव रहे। अध्यक्षता कॉलेज के प्रबंधक श्री अशोक चंद्र यादव ने की। इस मौके पर राकेश कुमार यादव ने यहां पर मौजूद छात्रों को संबोधित किया और हर को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि ईमानदारी के साथ जो शिक्षा ग्रहण करता है वो हमेशा अपने भविष्य में तरक्की करता है। राकेश कुमार यादव के इन शब्दों को सुनने के बाद छात्र यहां पर काफी जोश में नजर आए। इस अवसर पर स्वागत भाषण प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने दिया। इसके अलावा कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अखिलेश चंद्र पाठक, डॉक्टर हरीश चंद्र तिवारी, डॉक्टर मनोज गुप्ता, सुभाष चंद्र पाल, धर्मेंद्र यादव, समर बहादुर यादव, प्रदीप यादव और तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर राकेश कुमार यादव ने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए हम लोग 24 घंटे तत्पर रहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक हमेशा से लोगों को और समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं और इसके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने बेटियों की तारीफ करते हुए कहा। राकेश कुमार यादव ने कहा कि बेटियां दो कुलों को जोड़ती हैं, इसलिए बेटी का सम्मान होना बहुत जरूरी है। जब बेटी का सम्मान होता है तभी बेटियां समाज में नए कीर्तिमान रखती हैं। राकेश कुमार यादव ने जब बेटियों को संबोधित किया तो यहां पर मौजूद सभी छात्राएं काफी खुश नजर आईं। जौनपुर से मीडिया हलचल के लिए कृष्णा यादव की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।